चुनावी समर में है और आज जो हमारे प्रत्याशी हैं उनका जो नामांकन है उसकी स्क्रूटनी का दिन है और 29 तारीख को विड्रॉल है। मैं समझता हूँ इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव अभियान प्रारंभ किया है और आज प्रदेश भर में जिस प्रकार से आज जो पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम हो रहे हैं और एक भारी जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 30 अक्टूबर को 68 के 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी विजय संकल्प अभियान के तहत जनसभाओं का आयोजन करेगी। अर्थात सभी विधानसभा क्षेत्रों में 30 अक्टूबर को हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो हर विधानसभा क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करेंगे। उसमें हमने तय किया है कि हमारे राष्ट्रीय दर्शी जगत प्रकाश नड्डा जी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अविनाश राय खन्ना जी, मंगल पांडे जी, तेजस्वी सूर्या जी, वाल्ति श्री निवासन जी, साथ में श्री डॉक्टर संबित पात्रा जी, श्री दुष्यंत गौतम जी और इसके अलावा अन्य हमारे कई जो स्टार प्रचारक हैं इन हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। हमने लक्ष्य रखा है कि हर विधानसभा क्षेत्र में 30 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम हो और चुनाव का जो विजय संकल्प अभियान जो हमने इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम प्रदेश में विराजमान करें, उस दृष्टि से एक साथ सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक जोरदार ढंग से हम शंखनाद कर सकें, उसके लिए हमने विभिन्न नेताओं को हिमाचल प्रदेश आमंत्रित किया है और ये नेतागण हर विधानसभा क्षेत्र में जो है जनसभाएं करेंगे, बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेतागण, हमारे कार्यकर्ता बंधु हैं, हमारे मोर्चों के लोग हैं, हमारे त्रिदेव हैं, हमारे पन्ना प्रमुख हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हमारे पंचायती राज स्थानीय निकाय के जितने भी प्रतिनिधि हैं, सभी लोग चुनाव के समर में इस समय फील्ड में उतरे हैं, फील्ड में डटे हैं और रिवाज बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। 5 वर्षों का कार्यकाल मैं समझता हूं प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक रहा है और इन 8.5 वर्षों में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय मोदी जी, जिस प्रकार से उनका आशीर्वाद हिमाचल प्रदेश को मिला है और हिमाचल प्रदेश को वो अपना घर समझते हैं और उन्होंने जिस प्रकार से हिमाचल को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए काम किया है, उनका आशीर्वाद निरंतर हमको मिला है और उसी का नतीजा है कि आज प्रदेश की जनता माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है। माननीय जयराम ठाकुर जी, माननीय मोदी जी और समस्त हमारा नेतृत्व, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी, पूर्व मुख्यमंत्री शांता जी, धूमल जी और पार्टी का समस्त विश्व नेतृत्व आज एकजुटता के साथ आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बने, उस दृष्टि से हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी इस देश में रही हमको दिया ही दिया। अटल जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का स्टेट 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 का स्टेटस
माननीय अटल जी ने दिया था। उसके बाद इंडस्ट्रियल पैकेज हमको माननीय अटल जी ने दिया, लेकिन कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने हमसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस था उसको भी छीन लिया और इंडस्ट्रियल पैकेज था उसकी सीमा को भी घटाया। अर्थात भाजपा ने देने का काम किया, कांग्रेस ने उसको छीनने का काम किया। लेकिन 2014 में जैसे ही मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हमें फिर से जो पहाड़ी क्षेत्रों को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का जो स्टेटस है उसको बहाल किया। आज जितनी भी केंद्र प्रायोजित योजना है उसमें जो फंडिंग होती है उसमें 90-10 की रेशो में हिमाचल प्रदेश और जो पहाड़ी राज्य है उस कैटेगरी में हिमाचल प्रदेश को भी माननीय मोदी जी ने रखा। इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश को एम्स जैसी सौगात मिली। हम जानते हैं कि जब एम्स की बात होती थी तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली का नाम आता था, लेकिन छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश उसको एम्स जैसा संस्थान मिलना और केवल तीन वर्षों में उसके भवन का भी शिलान्यास भी होना और उसका लोकार्पण भी होना, मैं समझता हूँ हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें IIM मिला, हमें PGI सैटेलाइट सेंटर मिला, हमको मेडिकल कॉलेजेस मिले, अभी हमको बल्क ड्रग फार्मा पार्क मिला, मेडिकल डिवाइस पार्क मिला, 4 लेन्स मिले, अटल टनल का काम जो लंबित पड़ा था और लक्ष्य रखा गया था कांग्रेस के समय में कि 2023 तक वो पूरा होगा, 2020 में उसको पूरा भी करवाया, उसका लोकार्पण भी किया गया। तो मैं समझता हूँ अनेक सौगातें हमको मिली है। रेणुका बाग प्रोजेक्ट जो 1990 से लंबित पड़ा था उसके लिए धन की स्वीकृति करना, 7,000 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत करना और उसका शिलान्यास करना, तो अनेक ऐसे संस्थान हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। देश में अगर 4 वंदे भारत एक्सप्रेस चलती हैं तो एक हिमाचल प्रदेश को मिलती है, अगर 3 वर्ल्ड ड्रग पार्क मिलते हैं तो उसमें एक हिमाचल प्रदेश को मिलता है। तो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से माननीय मोदी जी का जो प्रदेश के प्रति लगाव है, जो अपने घर के प्रति उनका लगाव है, उससे स्पष्ट होता है कि हिमाचल प्रदेश को आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से काम किया है और प्रदेश की सरकार ने भी 5 वर्षों में जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में हर विधानसभा क्षेत्र में जो विकास हुआ है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतना विकास पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ। और यही वजह है कि आज प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और जिस प्रकार से हमने रिवाज बनने की प्रथा 4 राज्यों में भी पूर्ण हुई, हिमाचल प्रदेश में भी हम रिवाज बदल रहे हैं और फिर से भाजपा की सरकार को प्रदेश को विराजमान कर रहे हैं। नहीं देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, हर किसी को टिकट मांगने का हक है और हर कोई उसके लिए अपना दावा भी जताता है। कई लोग हर विधानसभा क्षेत्र में कई लोग दावेदार होते हैं, एक को टिकट मिलता है, टिकट की घोषणा हो गई है, कुछ लोगों को लगा है कि उनको भी जो है टिकट मिलना चाहिए था, ऐसे कुछ लोगों ने नामांकन किया। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने जो भी हम बागी नहीं कहेंगे, हमारी पार्टी के ही कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी के ही नेता हैं और सबको मना लिया जाएगा और सब साथ में चलेंगे। जिसको भी टिकट मिला है उसके साथ सभी लोग खड़े होंगे और उसको हम जिताएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, हमारे पास वरिष्ठ नेतृत्व है, हमारे राष्ट्रीय दल जगत प्रकाश नड्डा जी जो आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के मुखिया हैं, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय अनुराग जी, आदरणीय धूमल जी, आदरणीय शांता जी, एक लंबी फरिश्त हमारे पास नेताओं की है, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी मिलकर लगे हैं। और जो कहीं पर भी इस प्रकार की परिस्थिति आई है हम उससे निपट रहे हैं और कहीं पर भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने जिक्र किया, उन्होंने बिलासपुर में 4 दिन लगाए हैं, ना वो सुभाष ठाकुर को मना पाए हैं ना सुभाष शर्मा को, जो कि निर्दलीय चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि
कई लोग ऐसे भी खड़े हुए हैं जो कि जिनको केवल टैग हमारे साथ किया जाता है, लेकिन कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी से वार्तालाप जारी है और मैं समझता हूं कहीं पर भी दिक्कत आने वाली नहीं है। देखिए कुछ देखिए कई विषय ऐसे होते हैं जो कि नीति विषय होते हैं, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी बात नहीं कही जा सकती, ये भी हमारी रणनीति का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय लक्ष्य है, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं। देखिए महेश्वर सिंह जी हमारी पार्टी के कदावर नेता हैं, सबके सहयोग से हम आगे बढ़ रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं जी। बाहर नहीं है, कोई बाहर नहीं हुआ है, वो पार्टी नहीं है, पार्टी के साथ ही चल रही है। अभी तो चुनाव चल रहा है जी। मेरे भी 10 नहीं, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है, ऐसा किसी के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है कि किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा या किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा, ऐसा विषय कोई भी व्यक्ति या कोई ऐसा विषय मेरे ध्यान में नहीं है। पछाड़ में कोई ऐसी दिक्कत कहीं पर भी नहीं आई और वहाँ आपने चुनाव भी जीता है और चुनाव भी जीता। ये तो उसके बाद देखा जाएगा, अभी तो क्योंकि हम चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ ही हुई है, ये तो 8 दिसंबर के बाद ही देखा जाएगा क्या परिस्थितियाँ होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, हम पिछली बार से ज्यादा सीटें इस बार जीते। जी माननीय मोदी जी का दौरा शीघ्र होने वाला है, अभी टेंटेटिव डेट्स आई हैं जिसमें कि 5 और 9 तारीख ऐसा करके, लेकिन कंफर्मेशन हम तभी दे पाएंगे जब दौरा फाइनल होता है, लेकिन मोदी जी प्रदेश में आएंगे। इसके अलावा माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी और आदरणीय योगी जी, ऐसे बहुत सारे नेता जो कि स्टार प्रचारकों की सूची आपने देखी होगी, ये सभी लोग प्रदेश में आने वाले हैं और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। मैं समझता हूँ हमारे पास एक जो निष्ठ नेतृत्व आज है वो पूरा प्रदेश में आने वाले समय में आने वाला है। अभी हम बताएंगे जब तक उसमें मैं समझता हूँ कि हमारे पार्लियामेंट्री चारों पार्लियामेंट्री के ऊपर जी। कृष्ण जी, ये जो आपके स्टार प्रचारक आएंगे 5-6 जी, देखेंगे उसमें, क्योंकि स्टार प्रचारकों का जब होता है तो पार्टी बेयर करती है, कैंडिडेट के खाते में नहीं जाते, इसीलिए स्टार प्रचारक का जो है होते हैं, उनका खर्चा कैंडिडेट के साथ नहीं जुड़ता। कश्यप जी, पार्टी समुदाय को लेकर भाजपा लाभ लेने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ पर ये देखने में आ रहा है कि इससे भाजपा को हानि हो रही है, आपको नहीं लगता और रिपोर्ट के गांव भाजपा कांग्रेस में जा रही है? नहीं, मैं नहीं समझता ऐसा कहीं पर है, जो एक बड़ी जहाँ भी हर्षवर्धन चौहान जा रहे कांग्रेस से लोग नहीं, ऐसा नहीं है, वो मीडिया में दिखाने के लिए अपने लोगों को सम्मिलित कर रहे हैं, उससे ऐसा नहीं है। वास्तविक स्थिति यह है कि जो हाटी कम्युनिटी को जनजाति का दर्जा मिला है, एक बहुत पॉजिटिव हो रहा है और इसका मैं समझता हूँ लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है और इस बात से यह साबित हो जाता है कि सभी लोग पार्टी के साथ खड़े हैं और जिला सिरमौर की 5 की 5 सीटें हम जीतने वाले हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे
मंत्री लोग तो प्रदेश के होते हैं, कुछ विधानसभा का नहीं होता, कैसे भी चुनाव लड़ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी ने जहां उचित समझा वहां पे हमने चुनाव लड़ाया है। कुछ दो नेताओं की सीटें जो मंत्रीगण है उनकी सीटों को बदला गया। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच विचार करके ही टिकटों का आवंटन किया। थैंक यू। थैंक यू। निश्चित रूप से हमने पहले भी इस बात को कहा है, हम निश्चित रूप से एक्शन भी लेंगे, एक्शन भी लेंगे। देखिए हमने ये स्ट्रिक्टली कहा है कि अगर ऐसा कोई विषय आएगा, मैं नहीं समझता ऐसी परिस्थिति आने वाली है, लेकिन कई परिस्थितियां आएंगी तो मैंने प्रेस में पहले भी हम दे चुके हैं, इस बात को आपके माध्यम से पहले भी हमने कहा है, लेकिन कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि ऐसी परिस्थिति आएगी कि किसी को पार्टी से बात करने का जो है हम निर्णय लेना हमको पड़ेगा।